हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। हथीन विधानसभा के बहीन गांव में है। आपको बता दूं, यहां पर महेंद्र प्रताप के सपोर्ट में लगातार हर्ष कुमार ने बड़ी यहां पर सभा रखी है। लगातार देखिए जेसीबी तैयार है फूल माला फैलाने के लिए, फेंकने के लिए। भूपेंद्र हुड्डा ऑलरेडी आपको बता दूं सपोर्ट में यहां पर पहुंचे हैं। लगातार आपको बता दूं स्टार प्रचारक है हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान भी साथ में है। पूरा काफिला लगातार आ रहा है, इधर आओ इधर, पूरा काफिला लगातार देखिएगा। उदय भान का काफिला बता दूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काफिला महेंद्र प्रताप को लेकर पहुंचा है। देखिएगा सपोर्ट में पहुंचा है। देखिए जिस तरीके से फूल माला के साथ गाड़ियों पर फूल फेंके जा रहे हैं, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आपको बता दूं भूपेंद्र हुड्डा है, चलने दो भूपेंद्र हुड्डा है। देखिएगा गाड़ी में भूपेंद्र हुड्डा है, इनके सपोर्ट में लगातार आप बता दूं पूरी काफिला लंबा चौड़ा काफिला चल रहा है। तो देखिएगा जिस तरीके से काफिले पर गाड़ियां पर फूल माला से स्वागत किया जा रहा है जेसीबी से। तो देख आइए चलिए। तो यहाँ पर आपको बता दूं महेंद्र प्रताप के सपोर्ट में अच्छी खासी सभा रखी गई है। ये देखिएगा जिस तरीके से फूल फेंके जा रहे हैं, रास्ते में फूल फेंक के स्वागत किया जा रहा है। देखिएगा तमाम साथी मासा जुड़े हैं। तो देखिएगा जिस तरीके से ये देखिएगा अच्छा खासा काफिला, भूपेंद्र हुड्डा का काफिला है, महेंद्र प्रताप का काफिला है। आपको बता दूं है यहाँ पर हर्ष कुमार ने, ये देखिएगा बड़ी बहिन हथीन विधानसभा बहिन गांव है, यहाँ पर आपको सभा रखी गई है। देखिएगा देखिएगा भूपेंद्र हुड्डा है, सीधा गाड़ी मंच पर, सीधा गाड़ी देखिए महेंद्र प्रताप उतरे हैं, महेंद्र प्रताप इस साइड से उतरे हैं। देखिएगा यहाँ से भूपेंद्र हुड्डा उतर रहे हैं। देखिएगा साथ में उदय भान है। देखिएगा तमाम जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार बहिन गांव हथीन विधानसभा में पहुंचे हैं। पूरा काफिला भूपेंद्र हुड्डा का, महेंद्र प्रताप का काफिला पहुंचा। देखिएगा पूरी की पूरी टीम यहाँ पर बहिन गांव पहुंची है। यहाँ पर हथीन विधानसभा पर हथीन विधानसभा जिस तरीके से स्वागत हो रहा है, भूपेंद्र हुड्डा का, महेंद्र प्रताप का। आपको बता दूं हर्ष कुमार जो जेजेपी के लीडर भी थे, कई बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अभी टूट कर कांग्रेस से शामिल है, उनकी तरफ से ये सवाल की गई है। तो देखिएगा हाथ उठाकर अभिनंदन, हाथ उठाकर स्वागत किया जा रहा है कि जीत का, कि जीतेंगे का अभिनंदन इस तरीके का किया जा रहा है। फूल माला के साथ देखिएगा जिस तरीके से हाथ जोड़कर अभिनंदन किया जा रहा है। देखिएगा फूल, भीड़ दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके की सरदार यहाँ पर इकट्ठी है। तो देखिए तमाम जितने हमारे सारे जुड़े हैं, अच्छी खासी भीड़ है भैया, अच्छी खासी भीड़, अच्छी खासी भीड़ यहाँ मौके पर है। तो तमाम देखिए जिस तरीके से साथी हैं, पूरा वेलकम किया गया है महेंद्र प्रताप का। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं फैदाबाद से, और जिनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार और दो बार के सांसद कृष्णपाल गुर्जर से होना है। तो भीड़ देखिएगा जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर, आइए लोगों से पूछते हैं, आगे लोगों से क्या रहा है कि आइए पूछते हैं बाबा किसका माहौल है। कांग्रेस का बाबा किसका माहौल चल रहा है। हो गया बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस ही चाहिए। किसका माहौल चल रहा है? कांग्रेस का चल रहा है, कांग्रेस का। बीजेपी बीजेपी की नहीं चल रहा, कांग्रेस का। किसका माहौल चल रहा है, किसका माहौल है? अरे भैया महेंद्र प्रताप जी प्यारे हैं तो सब जनता ही। अच्छा महेंद्र प्रताप बीजेपी है? बीजेपी बीजेपी है तो सिफर है ना, चाहिए मोदी ना चाहिए कई भाभी। अच्छा हाँ कटाई भी क्यों ना चाहिए है? मोदी ना चाहिए, वन कच काम ही ना करे जनता के। अच्छा क्या काम करे उसने? तो अभी कांग्रेस चाहिए जनता के, क्या काम करे उसने? कुछ नहीं करे, सिर्फ पूंजीपति इनके उसने काम करे, उसकी कोई काम नहीं करे। अच्छा आम जनता के लिए, जनता के। पूछते हैं बाबा से किसका माहौल चल रहा है भाई यहाँ पर? महेंद्र प्रताप का माहौल चल रहा है। बीजेपी ना चाहिए? नहीं क्यों? काम नहीं किया दस साल में,
बस सर मैं वही और लोगों से पूछते हैं किसका माहौल चल रहा है बाबा, तो आप बताइए ना फिर भी जो ये दिखना मुझे अभी सब दिखता है लेकिन जनता से पूछना जरूरी है किसका माहौल चल रहा है। जरूर इसका चल रहा है कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा। किसका माहौल है यहाँ पर? हुड्डा का ही। बीजेपी? कांग्रेस। बीजेपी ना चाहिए? ना चाहिए। क्यों क्यों बीजेपी ने? अच्छा कश्मीर आकर बालक सब बेरोजगार। तो मोदी जी आएंगे तीसरी बार? नहीं आएंगे। ना रहो मोदी, ना रहो खत्म खत्म मोदी, हत्या कट की मोदी की। देखिएगा जिस तरीके से नाराज किया। आइए और लोगों से जाने की कोशिश करते हैं बाबा किसका माहौल है? माहौल कांग्रेस पार्टी का ही ज्यादा चल रहा है। भगवा तो पटवा पहना है? ये भगवा नहीं है, तो भगवा तो हमारे भगवा में तो हम बस रहे हैं। मोदी नहीं चाहिए? मोदी चाहिए, एक सीट बना हमें कोई फर्क ना पड़ रहा। अच्छा मोदी चाहिए? बिल्कुल कृष्ण पाल गुर्जर के खिलाफ है सब लोग हल्का। केंद्र में मोदी चाहिए? केंद्र में तो फिलहाल तो मोदी चाहिए। केंद्र में मोदी चाहिए लेकिन सीट में बदलाव चाहिए। कृष्ण पाल गुर्जर है 10 साल मामा बेटा ने बाबा भांजे ने सब हल्का ऐसे लूट के खा गए। अच्छा जैसे चोर ठीक है। किसका माहौल चल रहा है? कांग्रेस को चल रहा है। कांग्रेस को बीजेपी ना चाहिए? ना चाहिए। पूरी भीड़ है भैया, भीड़ दिखाने की कोशिश कीजिएगा। पूरा पूरा उम्मीद ना दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा जितने साथी मासा जुड़े हैं अच्छी खासी हतीन विधानसभा में है और यहाँ पर देखिएगा जहाँ बहीन गांव है तो यहाँ हर्ष कुमार जो आप बता दो जेजेसीपी से टूट के कांग्रेस से जो शामिल है उसकी तरफ से लगातार बड़ी बड़ी सभाएं आज होटल में होटल हतीन में रही है। अभी फिलहाल के तौर पर देखते हैं जिस तरीके से पूरी पूरी भी एक भी सीट खाली नहीं यहाँ पर देखिएगा। सीट अच्छी खासी सरदारी की भरी पड़ी है और अच्छी खासी लोग यहाँ बताऊँ दो दो घंटे से वेट कर रहे हैं। उधर महिलाएं हैं देखिएगा पूरी महिलाओं की है। देखिएगा पूरी भीड़ लास्ट तक अच्छा खासी मंच वहाँ पर है। मंच पर अच्छी खासी सरदारी आपस में वेलकम कर रही है। पूछेगा ठीक है ठीक है। आइए 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 पूछते हैं किसका माहौल है बाबा? छोड़ो छोड़ो महेंद्र प्रताप का। महेंद्र प्रताप को ही है जी। क्यों बीजेपी? बीजेपी की तो 10 साल देख ली 10 साल। बीजेपी ना चाहिए? नहीं। लोगों की राय इस तरीके से आ रही है। किसका माहौल चल रहा है जी? हम कांग्रेस चल रहा। और बीजेपी? नहीं बीजेपी कांग्रेस, हम तो कांग्रेस ही। अच्छा किसका माहौल है? कांग्रेस का माहौल है। मोदी के दिमाग में फर्क पड़ गया। कैसे? वो 4 से 5 बताता है। हरियाणा में पहले 40 सीट रहेगी, 75 पार। अच्छा चलिए माहौल दिखाते हैं वहाँ का किस तरीके से हालात चल रहे हैं। लोगों की राय भी जाननी आवश्यकता है क्योंकि भीड़ है बहुत अच्छी खासी है। अतीन विधानसभा में है हर्ष कुमार जो आप बता दो पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार में रह चुके हैं। जेजेपी में थे, टूट कर कांग्रेस में आ गए। इससे मजबूती महेंद्र प्रताप को मिलेगी, कांग्रेस के उम्मीदवार को मिलेगी। देखिएगा जिस तरीके से यहाँ लोग सम्मान कर रहे हैं। मौके पर भूपेंद्र हुड्डा है, यहाँ पर बाबा भूपेंद्र हुड्डा है। पूरी अच्छी तरह से सरकारी मौके पर है, सरकारी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा भीड़ कितनी है मौके पर, पूरी अच्छी तरह से भीड़ है, अच्छी तरह से भीड़ से भरा हुआ मंच है। यहाँ पर बहिन गाँव है, वहीं गांव हतीन विधानसभा पड़ता है। देखिएगा लास्ट तक दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक अच्छी खासी भीड़ मौके पर इकट्ठी की है। ये सारी वो सरदारी है आपको बता दूं, गांव गांव की सरदारी पहुंची मौके पर, गांव गांव की सरदारी मौके पर है। तालियों की गड़गड़ाहट से जवाब मिल जाता है कि लोग बात क्या सोच रहे हैं हतीन विधानसभा के। तो अभी आज चलिए बने रहिए, आपको अपडेट दिखाएंगे जहाँ भूपेंद्र हुड्डा क्या कहेंगे तो आपको बताएंगे इस वक्त क्या आपको बताएंगे इस वक्त कि भूपेंद्र हुड्डा क्या बोल के जाते हैं जरा सुनाएंगे। आज बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।